शेख नदी में। मैं अंबरपेट हैदराबाद सिटी काउंसिल मेंबर हूँ। अंबरपेट का खादरीबाग कब्रस्तान है, आप देख रहे हैं। ये खादरीबाग में, ये कब्रस्तान में कम से कम 10 से 12 साल हो गया यहाँ बोर्ड लगा के। कब्रस्तान की जगह बहुत बड़ी किल्लत है इधर कब्रस्तान की, जगह की गुंजाइश मत करिए बल्कि लिखे हुआ है बोर्ड पे। लिहाजा हम मुसलसल 10 से 15 साल से फिर रहे कंटिन्यू, एम आर ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, वक्फ बोर्ड सब जगह फिर रहे, मगर कोई हमारे कोई बात को पकड़ के कब्रस्तान को अलाटमेंट नहीं कर रहे। कोई भी अगर MLA रह दो या MP रह दो, इलेक्शन के दरमियान आते आगे इलेक्शन बड़े बड़े दावे कर देते, कब्रस्तान का अंबरपेट का इशू है, कब्रस्तान मैं दिलाता हूँ बोलते, मगर कोई भी कब्रस्तान के तालुक से बात करने का तो MLA साहब बोल रहे हैं कि अंबरपेट में गवर्नमेंट लैंड नहीं है, लिहाजा कहाँ अपन दे सकते बोल के पूछ रहे हैं। तो इलेक्शन के टाइम पर आके दावे कर देते, मगर उसके बाद उन लोग कोई भी बात हमारे तक नहीं कर रही। तो लिहाजा हम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना KTR साहब ये बात बोले थे कि अंबरपेट में मुसलमानों के लिए कब्रस्तान मैं अलाटमेंट करता हूँ बोले, तो KTR साहब ये बात को आप सीरियसली लेना, कब्रस्तान को अलाटमेंट करना अंबरपेट में। और दूसरी बात, सलीम साहब बोले कि अंबरपेट में कोई भी ग्रेवयार्ड रहने दो, ग्रेवयार्ड वक्त की जायदाद है। कब्रस्तान में देखिए आप, ये आज की डेट है, ये आज 1200 रुपये लिया गया और दफना खोदने के लिए लेबर चार्जेस अलग है, तो टोटल मिला के 5000 रुपये खर्चा हो रही। हर गरीब को कोरोना क्राइसिस से गरीब बहुत आवाम परेशान है। लिहाजा सलीम साहब का जो स्टेटमेंट है उस तालुक से मैं बोलना चाह रहा हूँ, सलीम साहब अगर आप ये लोगों के ऊपर एक्शन मुतवली और यहाँ की मौजूदा कमेटी के ऊपर आप अगर एक्शन नहीं लेंगे तो लिहाजा हमारा इस तालुक से एक्शन लेना पड़ेगा। लिहाजा ये बात को आप सीरियस लीजिए, अगर आप सीरियस नहीं लेंगे इस तालुक से तो अंबरपेट की आवाम खामोश बैठने वाली नहीं है, इसका रिप्लाई हम बराबर देंगे।